यादव ने कहा है कि भाजपा वो आरक्षण विरोधी है और सोमवार को वो अपने अच्छे से पक्ष नहीं रखे हैं रिजर्वेशन पर, इसलिए वो रिजर्वेशन को लेकर वो सोमवार को जाएंगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देखिए वो कहाँ कहाँ जाएंगे ये उनको तय करना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शुरू से आरक्षण की पक्षधर रही है और भारतीय जनता पार्टी और हमारी जो एनडीए की सरकार है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो स्थगन आदेश दिया है उस स्थगन आदेश को कैसे समाप्त हो उसके लिए हम सब कटिबद्ध हैं, क्योंकि समाज का जो कमजोर तबका है जिसे संवैधानिक अधिकार या बिहार की सरकार ने जो अधिकार उससे प्रदत्त किए हैं वो पहुंचाना हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी है। और तेजस्वी यादव जी के पास से अब मुद्दा नहीं है, लोकसभा में उनकी चल नहीं पाई, अब वो इस प्रकार के आरक्षण और ये सारे विषय पर अनावश्यक इन सारी चीज़ों को विवाद में लाना चाहते हैं। उन्हें तो सिर्फ अपने परिवार का आरक्षण चाहिए, उनके माता पिता को मिला, उनको मिला, उनके भाई को मिला, उनकी एक बहन को भी मिल गया, शेष जो और उनके परिवार के सदस्य हैं उनको भी आरक्षण मिलना है, ये तो वो जाने। लेकिन हम सब बिहार के और देश के आवाम के लिए काम करते हैं, हमारी जो प्रतिबद्धता है वो प्रतिबद्धता कायम रहेगी। इनके जो इंडी गठबंधन के जो साथी हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो केंद्र में सरकार बनाने का सपना देखते हैं, वो कब आरक्षण का समर्थन किया? उन्होंने तो हमेशा आरक्षण का विरोध किया। जिस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का वो नाम लेते हैं और उनके खिलाफ क्या साजिश रची गई पंडित नेहरू से लेकर बाद के ज़माने में, ये बताने की आवश्यकता है क्या? भारत की जनता सजग है, इसलिए भारत की जनता ने तीसरी बार भी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में सत्ता सौंपी है। हमारी डबल इंजन की सरकार है, हम राज्य और देश के हित के लिए लगातार काम करते रहेंगे।